हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने सोचा कि आज की वीडियो थोड़ी एक डिफरेंट वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइजेज़ इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे सबके घरों में कंस्ट्रक्शन के काम चालू है। सो गाइस, प्लीज़ अपोलॉजीज। एंड या सो आज की वीडियो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाते हैं, बिकॉज आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि दी आपका मुझे हमें व्लॉग देखना है, कुछ व्लॉग जैसे बनाओ। एंड बाकी के जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियोस बनाओ, एयरलाइन रिलेटेड वीडियोस बनाओ। सो टुडेज वीडियो इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स दैट आई लव। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब हम दोनों मिलके, हाँ मैं और आप मिलके रिक्रिएट करेंगे इंडिगो एयरलाइंस फेमस चिकन जंगली सैंडविच की रेसिपी। तो जब भी मैं फ्लाई करती थी, सो चिकन जंगली सैंडविच इज़ माय मोस्ट फेवरेट फूड आइटम इन इंडिगो। इंडिगो की जो कार्ट रहती थी उसमें मेरा सबसे फेवरेट था, मतलब आई यूज टू क्रेव फॉर चिकन जंगली सैंडविच। तो या एंड अगर आप में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो द लिंक इज़ ओवर योर, यहाँ पे मेरी आईडी है, तो उसे फॉलो करो, वो वाली आईडी पे। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा माई लव फॉर कुकिंग, हाउ मच आई लव टू कुक। एंड मैंने मेरे चैनल पे और भी डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स बनाए हैं कुकिंग के, थोड़े ही बनाए हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस एविएशन थिंग ऑन दिस चैनल। बट कभी कभार बोलते हैं ना, आपको जो चीज़ पसंद है उसके बारे में भी, आपकी जो हॉबीज़ है वो भी आपको करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज हम कुकिंग करते हैं मेरी फेवरेट डिश की। सो या मैंने बहुत बातें कर ली है। एंड मुझे सबसे पहले आपको ये पूछना है कि आपका फेवरेट एयरलाइन फूड कौन सा है। अगर आप कौन से एयरलाइन में ट्रैवल किए हो, तो कोई एक फूड आइटम जो आपका फेवरेट है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट, बिकॉज मैं तो सिर्फ इंडिगो में फ्लाई की हूँ, उसके अलावा मैंने कहीं भी फ्लाई, कोई भी एयरलाइन में फ्लाई नहीं किया है। आई एम लॉयल विद इंडिगो। सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट रोल दी इंट्रो एंड मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सो गाइज, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू मेक चिकन जंगली सैंडविच। सो अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ आपको क्या चाहिए। सबसे पहले यू नीड मेयो, ये एगलेस मेयो है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैं वीबा का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं एगलेस मेयो यूज़ कर रही हूँ। आई यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टेबल स्पून। ये है बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, तो जैसे आप नॉर्मल चिकन बॉईल करते हो वैसे आपको बॉईल करना है। एंड ये थोड़ा ब्राउन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अंदर ब्लैक पेपर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाला था, तो इसलिए थोड़ा ब्राउन दिख रहा है। तो वैसे ही आप बॉईल करो, श्रेड कर लो। देन यू नीड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड अनियन चॉप्ड, जो अपने नॉर्मल अनियंस रहते हैं वो चाहिए आपको। यू नीड सॉल्ट एंड पेपर सीजनिंग एज पर टेस्ट। एंड देन यू नीड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो इसमें आप इतनी क्वांटिटी में 2 सैंडविच बना सकते हो, बट अब मैं घर पे अकेली हूँ एंड सिर्फ मैं खाने वाली हूँ, सो अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक सैंडविच बनाऊँगी। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आई नो आपको अभी नीचे का नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज मेरा ट्राईपॉड अगर मैं नीचे रख रही हूँ तो मैं नहीं दिख रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं। एंड अगर मैं ऊपर रख रही हूँ तो नीचे का नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको ऐसे कर करके बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टेक अ मिक्सिंग बोल, उसमें हम डालेंगे हमारा जो बॉयल्ड चिकन है, तो हम सबसे पहले वो डालेंगे। तो ये हमने पूरा बॉयल्ड चिकन डाल दिया अंदर। नाउ वील एड ये हमारा धनिया एंड जो अनियन है चॉप्ड, फ्रेश कोरिएंडर एंड अनियन, तो अब हम ये डाल देंगे। इट्स नथिंग, यू जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। एंड ये तो बेसिक है, सारे सबके घर पे ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी है, बट इट इज़ सो फिलिंग एंड सो टेस्टी कि अगर आप अकेले रहते हो तो भी आप बना सकते हो। सो या यू नीड टू ऐड सी अनियन एंड ये। देन नाउ अब हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट। यू कैन ऐड, मैंने चिकन को बॉईल करने के टाइम भी सॉल्ट डाला था, एंड मैं मेयोनीज में भी सॉस रहेगा, तो मैं एकदम थोड़ा सा सॉल्ट डालने वाली हूँ एज पर टेस्ट। देन वील ऐड
पेपर। तो जो इंडिगो का चिकन जंगली सैंडविच रहता था तो उसमें वो लोग क्रश्ड पेपर डालते थे, मतलब जो बिट्स आते हैं ना पेपर के वो रहते थे। बट मुझे सिर्फ एक वही चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, बिकॉज मुझे पेपर के बाइट्स नहीं पसंद है। सो आई एम यूजिंग पेपर पाउडर। आप इसके जगह वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रश्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर आपको बहुत सारी डालनी है, मतलब जितना स्पाइस हैंडल कर सको उतना आपको डालना है। सो हमने ये डाला है एंड नाउ वील एड द की इंग्रीडियंट जो सब कुछ बाइंड करेगा, दैट इज मेयो। तो मेयो में अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून जितना मैं डाल रही हूँ अंदर, अंदाजे से ही डाल रही हूँ बिकॉज अब टेबल स्पून कौन लेगा मेजरमेंट के हिसाब से, तो मैं अंदाजे से ही 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्स मैंने डाल दिया है अंदर। सो आई शो योर वेट। सो गाइज देखो मैंने इतना मेयो डाला है अंदर अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1 टेबल स्पून है। नाउ वी विल मिक्स इन एवरीथिंग टुगेदर। सो गाइज आपको मेक श्योर करना है कि मेयो पूरी तरह से आपके चिकन में एंड अनियन में सब में मिक्स हो जाए अच्छे से, बिकॉज ये बाइंड करेगा सबको एंड एक स्प्रेड की तरह तैयार होगा। हमें इसे एक स्प्रेड की तरह तैयार करना है। अगर आपको मेयो या कुछ कम लगता है तो आप एडिशन कर सकते हो। लेट्स मिक्स फर्स्ट एंड देन वील सी क्या कम ज़्यादा है। सो गाइज मैंने मिक्स तो कर लिया है बट मुझे मेयो थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और मेयो डालूंगी। सो गाइज अभी जैसे कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, सो अगर आप में से किसी ने भी इंटरव्यू दिया है या गए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो प्लीज़ मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर करो नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या हो रहा है आजकल। चाहे आप कोई भी एयरलाइन के लिए गए हो तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के आपका एक्सपीरियंस, एंड दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ गाइज मुझे आपका एक्सपीरियंस बताओ। तो अब मैंने इसमें मेयो डाल दिया है, अब ये एकदम सही लग रहा है, दिख ही रहा है कि सब परफेक्ट हो गया है। तो गाइस सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो मैं आपको एक लुक देती हूँ, ये देखो आपको एक क्लोजर लुक देती हूँ मैं, एक मिनट। सो गाइज ये है हमारा मिक्सचर एंड ये ऑलरेडी इतना टेम्पटिंग लग रहा है एंड मुझे मेरे इंडिगो डेज की याद आ गई है। सो अब ये हम हमारे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे, ये है ब्रेड का स्लाइस, हम ये इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे एंड देन वील इंजॉय। तो गाइज अब हम ये एक स्पून फुल एक मिक्सचर का है वो हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे एंड इसे अच्छी तरह से हमें स्प्रेड करना है। आपको ज़्यादा डालना है गाइस, बिकॉज ये ज़्यादा रहेगा ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा और लेके। इसमें मैंने आपको बोला था कि आपकी इतनी क्वांटिटी में 2 सैंडविच बनेंगे, 2 नहीं 3 बनेंगे, बिकॉज ये अनियन और कोरिएंडर मेयो डालने के बाद क्वांटिटी और अच्छी हो गई है एंड बहुत सही लग रहा है। सो गाइस देखो दिस इज लुकिंग सो यम, चेक दिस आउट गाइस, हमारा चिकन जंगली सैंडविच स्प्रेड हो गया है अच्छी तरह से। एंड्स पे भी आपको स्प्रेड करना है, देखो इसके अंदर थोड़े थोड़े चिकन के बिट्स भी है। तो अब हम बस इसे दूसरे कवर से ऐसे कवर कर देंगे। सो गाइज नाउ वील कट दिस सैंडविच इनटू 2। सो गाइज हमारा चिकन जंगली सैंडविच रेडी है एंड अब मैं आपको एक और क्लोजर लुक देती हूँ, ये देखो लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड सो टेम्पटिंग। सो नाउ वील टेस्ट इट एंड देन सी कि हम कितना परसेंट तक पहुँच पाए हैं ओरिजिनल चिकन जंगली सैंडविच। आई नो कोई भी वो इंडिगो एयरलाइंस के चिकन जंगली सैंडविच जैसा बना ही नहीं सकता है बिकॉज उसका टेस्ट ही डिफरेंट है एंड बट स्टिल हमने ट्राई किया है, वी अटेम्प्टेड, तो लेट्स टेस्ट एंड सी कैसा है। hmm.
इट्स रियली नाइस। मतलब मैंने बनाया है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट सेम बट ऑलमोस्ट द सेम, आई वुड से 90% सेम टेस्ट है एंड 10% लाइक अलग है, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइज, यू नीड टू ट्राई इट। मुझे मेरे फ्लाइंग के डेज याद आ गए। हमारे में ऐसा होता था कि इफ़ यू आर फ्लाइंग एज एन ए सी एंड दैट इज एडिशनल क्रू मेम्बर, तो अगर आप डेड हेड कर रहे हो, डेड हेडिंग बोलते हैं, एडिशनल क्रू मेम्बर बोलते हैं, एज पर योर रोस्टर, अगर आपके रोस्टर में, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बॉम्बे टू जयपुर डेड हेड कर रही हूँ, तो रोस्टर में रहेगा POM टू जयपुर एंड साइड में एक स्टार रहेगा, दैट मीन्स यू आर ट्रैवलिंग एज पैसेंजर, यू आर डेड हेडिंग दैट सेक्टर। तो अगर तभी आप फ्लाई कर रहे हो तो यू आर एंटाइटल टू 2 फूड आइटम एंड 1 बेवरेज। तो मैं हर टाइम चिकन जंगली सैंडविच ऑर्डर करती थी एंड दूसरा फूड आइटम मैं मम्मी के लिए ऑर्डर कर देती थी, तो मेरी मॉम को तो वहाँ का सभी अच्छा लगता था, मोस्ट प्रोबेबली शी लाइक द समोसा एंड दाल चावल। बट ऐसा होता था हर टाइम कि हम जो भी हमें पसंद आता था ना फूड आइटम, वो डिसकंटिन्यू हो जाता था, आई डोंट नो व्हाई। आई गेस चिकन जंगली सैंडविच कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, अब तो बहुत सारी न्यू चीज़ें वो लोग सर्व करते हैं, बट हमारे टाइम पे मैं आपको मेरा फेवरेट फूड आइटम्स बताती हूँ कार्ट में से। सबसे टॉप में इट्स चिकन जंगली सैंडविच, देन अनदर वॉज पनीर टिक्का सैंडविच, ओ माई गॉड, वेजिटेरियन में बेस्ट थिंग वॉज पनीर टिक्का सैंडविच। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई मेक इट फॉर यू गाइज। सो पनीर टिक्का सैंडविच, समोसा, एंड समोसा इतना टेस्टी रहता था, मतलब वो ठंडा रहता था, मतलब ठंडा इन द सेंस कैबिन टेम्परेचर पर ही रहता था, बट वो गर्म चाय के साथ तो भी बहुत टेस्टी लगता था, बिकॉज इट वॉज इतना बड़ा समोसा था एंड 2 समोसे यूज टू गेट, दे यूज टू सर्व, मुझे वो अच्छा लगता था। देन आई यूज टू लाइक देयर रोस्टेड आलमंड्स भी बहुत टेस्टी हुआ करते थे, एंड देन उनका दाल राइस वॉज लाइक इतना टेस्टी, उसमें देसी घी वाला फ्लेवर आता था, एंड फिर दूसरा क्या मुझे पसंद आता था, हाँ सांभर राइस भी बहुत अच्छा रहता था उनका। बट जो हम खाने का स्टार्ट करते थे ना, जो मुझे पसंद आता था, पता नहीं क्यों वो नेक्स्ट मंथ ही डिसकंटिन्यू हो जाता था। दाल चावल डिसकंटिन्यू हो गया, एंड देन समोसा गॉट डिसकंटिन्यूड, देन हाँ कैश्यू नट्स, मेरी मॉम को सॉल्टेड वाले पसंद आते थे, देन वो डिसकंटिन्यू होके अनियन फ्लेवर वाले आने लग गए थे। सो या एंड वन मोर थिंग आई यूज टू लाइक वॉज इंडिगो एयरलाइंस का ब्लैक करंट पॉपकॉर्न, ओ माई गॉड इतना टेस्टी रहता था। तो मैं जब एज पैसेंजर ट्रैवल करती थी ना, मतलब अगर मैं मेरे बेस पे ट्रैवल कर रही हूँ वापस घर जा रही हूँ, तो मेरी मॉम मेरे साथ ही रहते थे ना, तो हमें 2 फूड आइटम और 1 बेवरेज मिलता था, तो मैं एक तो चिकन जंगली सैंडविच लेती ही थी, बट अनदर फूड आइटम यूज टू बी पॉपकॉर्न, बिकॉज घर जाके हमें मूवी देखनी रहती थी, तो मैं पॉपकॉर्न ले लेती थी या तो मम्मी के लिए कुछ ले लेती थी। सो या दीज वर माई फेवरेट फूड आइटम्स, एंड आपके क्या क्या फेवरेट फूड आइटम है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड या बहुत अच्छा लगता था तभी, एंड हम जब क्रू थे हमें भी ऐसा बाय करना पड़ता था चीज़ें, जब हम फ्लाई करते थे, जब हम ऑपरेट करते थे ना फ्लाइट, तब हमें बाय करना पड़ता था। ये तो इफ़ अगर आप रोस्टर में, अगर आप एज ACM आप या डेड हेड कर रहे हो तो ही आपको मिलता था फूड आइटम और बेवरेज कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं तो अगर आप नॉर्मली एज पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नहीं मिलता था, देन यू हैड टू बाय, तो हमें बाय करना पड़ता था। क्रू के लिए कुछ भी फ्री नहीं रहता था, हाँ फ्री खाली हमारे लिए क्रू मील्स फ्री रहती थी एंड गुडी बैग की चीज़ें फ्री रहती थी, बट गुडी बैग की चीज़ें हमें वहीं के वहीं खानी पड़ती थी, हम साथ में लेकर नहीं आ सकते थे। सो एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे साथ मेरे और 2 बैचमेट्स थे, एक तो बैचमेट थी एंड एक दोस्त थी, तो वो दोनों डेड हेड कर रहे थे
एंड देन हम ऑपरेट कर रहे थे वो फ्लाइट में, आफ्ट में थी मैं, L2 थी, तो हमने पीछे एकदम अच्छी तरह से पार्टी की थी, एकदम गैदरिंग कैसी रहती है, बिकॉज उनको पर पर्सन 2 फूड आइटम एंड 1 बेवरेज मिल रहा था एंड हमारे पास पीछे गुडी बैग थी, तो हमने सब मस्त चाय कॉफ़ी बनाए, हमने नूडल्स बनाए, देन हमने क्या क्या खाने पीने की चीज़ें बनाई एंड हमारी जब सर्विस सबकी ख़त्म हुई तो हमने पीछे मिल के बहुत मज़े की। सो या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी तो वो मुझे याद आ गई मेरे फ्लाइंग डेज की। एंड फूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था हमारे फ्लाइंग का, तो उसके वजह से मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ मेरी सबसे सबसे फेवरेट चीज़ शेयर करती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट एयरलाइन की। तो आई शेयर दिस चिकन जंगली सैंडविच विथ यू गाइस, इसकी रेसिपी। बहुत टाइम हो गया मैंने खाया नहीं है, बट आज ये खाने के बाद मुझे बहुत बहुत एकदम नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, मुझे मेरे फ्लाइंग डेज याद आ गए। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ येस देन डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also, don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. वहाँ पे आपको मेरी flying के pictures and videos, मेरी cooking के videos and photos. मैं reels बहुत डालती हूँ, मैं बहुत active रहती हूँ। अगर आपको मुझसे बातें करनी है, कोई doubts पूछने हैं, तो आप मुझे ये ID पे जाके follow करो। And yeah, I hope you all will recreate this recipe. अगर आप लोग ये recreate करते हो recipe, then do share the pictures with me on Instagram and I'll be more than happy to see those pictures and मुझे बहुत खुशी मिलेगी। So yeah guys, that's it. I'll see you all next time. Bye. Take care of yourself.